आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए मीनाक्षी सुंदरेश्वर नाम की एक हिंदी फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 5 नवंबर 2021 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb पे 7.3 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। इस फिल्म को 77% लोगों ने लाइक किया है और इस फिल्म में आपको सान्या मल्होत्रा और अभिमन्यु दसानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कहानी की शुरुआत एक साउथ इंडियन परिवार से होती है, जहाँ पर एक परिवार अपने बच्चों की अरेंज मैरिज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मीनाक्षी के घर वाले जहाँ लड़के वालों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुंदरेश्वर के घर वाले लड़की देखने जा रहे हैं। मीनाक्षी जैसे ही सुंदरेश्वर को देखती है, उसे उससे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे इस तरह से सवाल जवाब करती है जैसे कि वो उसका कोई जॉब इंटरव्यू ले रही हो। पढ़ाई खत्म करने के बाद सुंदरेश्वर कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं। वो अपने घर वालों के साड़ी वाले बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से उसकी पहली प्लेसमेंट हो जाए। मीनाक्षी जितनी ज्यादा चंचल है, सुंदरेश्वर उतना ही शांत है, और मीनाक्षी जिस तरह से उससे सवाल करती जाती है, वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके जवाब बहुत ही अच्छे से देता है। दोनों ही मन में एक दूसरे को अपना पति पत्नी मान चुके हैं कि तभी उनके घर वालों को पता चलता है कि वो दोनों किसी गलत घर में आ गए हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगकर वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त मीनाक्षी के दादाजी उन्हें रोक लेते हैं। मीनाक्षी के दादाजी जैसे ही उन दोनों के नाम सुनते हैं, उन्हें भगवान मीनाक्षी सुंदरेश्वर की याद आती है और वो कहते हैं कि उन दोनों की जोड़ी को साक्षात भगवान ने बनाया है। इसी छोटी सी बात के चलते दोनों ही परिवार एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोनों बच्चों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और मीनाक्षी सुंदरेश्वर के घर पहुँच जाती है। आज मीनाक्षी और सुंदरेश्वर दोनों की सुहागरात है, लेकिन सुंदरेश्वर बहुत दिनों से जिस ईमेल का इंतजार कर रहा था, आज वो उसे आ जाती है और उसे ये पता चलता है कि उसे एक जॉब मिल गई है। ईमेल में ये लिखा है कि उसे अगले ही दिन बैंगलोर के लिए निकलना होगा। शादी के पहले ही दिन उसका पति उसे छोड़कर बैंगलोर चला जाएगा, ये सुन के मीनाक्षी को अजीब तो लगता है, लेकिन फिर जिस किसी तरह से वो अपने मन को मना लेती है। वो सुंदरेश्वर को कहती है कि आज की रात जो चीज़ उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, वो चाहे तो उस पर फोकस कर सकता है। सुंदरेश्वर जैसे ही ये सुनता है, वो अपनी किताबें खोलता है और पढ़ाई करना शुरू कर देता है। अगली रोज सुंदरेश्वर अपनी बीवी को वहीं पर छोड़कर वहां से बैंगलोर के लिए निकल जाता है। उसका इंटरव्यू काफी अच्छे से जाता है और एक बहुत ही अच्छी कंपनी में उसकी जॉब भी लग जाती है। सुंदरेश्वर अपने पहले ही दिन लेट था और उसके बॉस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके बार बार बात करने की वजह से उसके एक कलीग को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। और थोड़ी ही देर बाद सुंदरेश्वर को ये पता चलता है कि वो इंसान जिसे बाहर निकाला गया था, वो उसका रूममेट होने वाला है। सुंदरेश्वर को एक और बात वहां पर बहुत परेशान करती है। उसे कंपनी ज्वाइन करने के बाद ये पता चलता है कि वो कंपनी मैरिड लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि सुंदरेश्वर के लिए जॉब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो वहां उनसे झूठ कहता है। वो कहता है कि वो सिंगल है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। मीनाक्षी, जिसने ये डिसाइड किया था कि वो सुंदरेश्वर के साथ बैंगलोर में ही रहेगी, अब वो घर वालों को किसी तरह से मनाकर अपनी ट्रेन कैंसिल कर देती है। सुंदरेश्वर उसे इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि एक साल तक उन दोनों को अलग रहना होगा, लेकिन एक साल बाद वो सबसे कह देगा कि उसकी शादी हो गई है। दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एक दूसरे से हर रोज बात करने लगते हैं। सुंदरेश्वर काफी भोला है और उसके रूममेट्स उसे कहते हैं कि किसी भी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं आता कि उनका बॉयफ्रेंड उनसे दूर रहकर खुश हो। यानी कि अगर सुंदरेश्वर को अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना है, तो उसे ये जताना होगा जैसे उसकी जिंदगी उसके बिना अधूरी है और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास है। सुंदरेश्वर बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो मीनाक्षी से ऐसे बात करता है जैसे मानो वो बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा अकेला हो। मीनाक्षी को उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे ये लगता है कि मानो वो किसी बहुत बड़ी तकलीफ में हो। उसे खुश करने के लिए मीनाक्षी उसके बर्थडे पर उसके फ्लैट पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके फ्लैट में पहुंचती है, वो देखती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है और पार्टी कर रहा है। मीनाक्षी, जो कि अपने ससुर के साथ वहां पर आई है, वो गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। मीनाक्षी अब अपने ससुराल वालों के साथ रहना शुरू कर देती है और उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त अनंतन से होती है। अनंतन कॉलेज के दिनों से उसे जानता था। उसका एक छोटा सा बिजनेस था और वो चाहता है कि मीनाक्षी उसके साथ उसके बिजनेस में काम करे। मीनाक्षी के ससुराल वाले उसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के काम पर लगा देते हैं और उससे फ्री होकर वो अनंतन के ऑफर के लिए हाँ कह देती है। अनंतन मीनाक्षी के लिए एक साड़ी लेता है और ये साड़ी उसी के ससुराल वालों की दुकान से खरीदी गई है। उस साड़ी को लेकर सुंदरेश्वर की बुआ के साथ उसका झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि अनंतन को मीनाक्षी के लिए वही साड़ी पसंद है, तो वहीं दूसरी तरफ बुआ जी को भी वही साड़ी पसंद आती है। बुआ जी अनंतन को बेइज्जत करने लगती हैं और अनंतन भी उन्हें बेइज्जत करने के लिए कुछ कह देता है। बुआ जी के दिमाग में वो बात घर कर जाती है। अनंतन जैसे ही वो साड़ी मीनाक्षी को गिफ्ट करता है और मीनाक्षी उसे पूजा के लिए पहनती है, बुआ जी उसे देखते ही पहचान लेती हैं। ये होने के बाद वो मीनाक्षी के चरित्र पर सवाल उठाती हैं और मीनाक्षी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके और उन्हें जवाब देके वहां से चली जाती है।
वो अनंतन की जॉब का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ उसकी फैक्ट्री में काम करने लगती है। सुंदरेश्वर उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मीनाक्षी उसकी एक नहीं सुनती। सुंदरेश्वर का वो रूममेट जिसे उसकी वजह से पहले ही दिन बाहर निकाल दिया गया था, वो उससे जलने लगता है। एक रोज जब फोन पर मीनाक्षी का मैसेज आता है तो उसे समझते हुए देर नहीं लगती कि सुंदरेश्वर शादीशुदा है। सुंदरेश्वर उसे एक मैसेज ड्रॉप करता है और उसे बैंगलोर के ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही मीनाक्षी मिलने के लिए हाँ कह देती है, वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है ताकि सुंदरेश्वर उसे ना देख पाए। इस वक्त सुंदरेश्वर अपने एक इनोवेटिव आइडिया के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। उसके रूममेट को इस बात पर पूरा भरोसा था कि सुंदरेश्वर का ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा हिट होने वाला है और उसके प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी दम नहीं है, इसीलिए उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए वो ऐसा करता है। मीनाक्षी प्रेजेंटेशन वाले दिन जैसे ही वहां पर पहुंचती है, सुंदरेश्वर उसे देखते ही घबरा जाता है। वो ना आओ देखता है और ना ताओ, वो उस पर चिल्लाने लगता है और मीनाक्षी ये सब देखकर वहां से रोती हुई चली जाती है। सुंदरेश्वर का रूममेट इस बात का फायदा उठाता है और उसके बॉस को वहां पर लेकर चला जाता है। उसके बॉस जैसे ही ये सब देखते हैं, वो सुंदरेश्वर से कहते हैं कि उसे इस कंपनी से निकाल दिया गया है। लेकिन जब वो उसके रूममेट के साथ बात कर रहे होते हैं तो सुंदरेश्वर उन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि मीनाक्षी बिल्कुल बेकसूर थी। वो जैसे तैसे अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन खत्म करता है। उसका इनोवेटिव बिजनेस आइडिया एक एप्लीकेशन के बारे में था, एक ऐसी ऐप जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों को एक साथ रखती हो। इस एप्लीकेशन का आइडिया उसे मीनाक्षी से ही मिला था और ये आइडिया बाकी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। हालांकि उसके आइडिया को वहां सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी वो मीनाक्षी को चुनता है और वहां से मीनाक्षी से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। सुंदरेश्वर हर रोज मीनाक्षी के घर जाता है और उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मीनाक्षी उससे मिलने के लिए साफ इनकार कर देती है। इसी दौरान सुंदरेश्वर को एक बात याद आती है कि मीनाक्षी को रजनीकांत की मूवीज बहुत पसंद है। जब भी उनके शहर में या पास वाले शहर में कभी भी रजनीकांत की फिल्म रिलीज होती तो वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करती थी। एक रोज जब रजनीकांत की कोई फिल्म रिलीज होती है तो सुंदरेश्वर सबसे झगड़ा करके थिएटर में पहुंच जाता है। वो वहां जाकर जो देखता है उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। मीनाक्षी वहां पर रजनीकांत की कॉस्ट्यूम में पागलों जैसे डांस कर रही थी और सब लोग उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे मानो वो सचमुच की रजनीकांत हो। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर हम इस फिल्म के ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये फिल्म एक वन टाइम वॉच है। अगर आपको लग रहा है कि ये फिल्म कोई बहुत ही कमाल की रोमांटिक फिल्म है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो दोनों एक्टर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली अभिमन्यु दसानी की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन फिर भी कहानी को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो इससे ज़्यादा बेहतर कर भी नहीं सकते थे। और मूवी में कुछ एक ऐसे सीन्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फनी लगने वाले हैं, स्पेशली अगर गलती से आप उनको अपनी फैमिली के साथ देख लेते हो। तो इस फिल्म को मैं अपनी तरफ से 6.5 रेटिंग के आसपास देना चाहूँगी। बाकी अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप हमें बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।